हमने लास्ट वीडियो में टाइम डिके यानी थीटा को कवर किया था, जो ऑप्शन प्रीमियम के एक्सट्रिंसिक पोर्शन का हिस्सा होता है। उसी एक्सट्रिंसिक पोर्शन का दूसरा हिस्सा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और ये भी एक ऑप्शन ग्रीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा नया टर्म ले आए हैं हम, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा एंड दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑप्शन ग्रीक के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है और वो वेगा से कैसे कनेक्टेड है, क्या होता है वेगा, वेगा का बिहेवियर और मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, और हम वेगा को ट्रेड करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और वेगा को पूरी अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है। दोस्तों, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट द मार्केट्स परसेप्शन ऑफ विच द वे प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी विल मूव। ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से अलग होता है बिकॉज दिस इज ओनली अ फ्यूचर्स प्रोजेक्शन। दीज एस्टिमेटेड प्राइस फ्लक्चुएशंस आर देन यूज्ड टू प्राइस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेरिश सेटअप में हाई होती है और बुलिश सेटअप में कम। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज वेगा एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वेगा मेजर्स द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इन द अंडरलाइंग एसेट। मैथमेटिकली वेगा मेजर्स द चेंज इन ऑप्शन प्राइस फॉर अ 1% मूव इन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। When uncertainty in the market rises, IV also rises. When IV rises, price fluctuation rise, and that leads to a rise in vega. वैसे ही जब market में certainty वापस आ जाती है, तब implied volatility कम होती है। इससे price swings छोटे होते हैं और vega भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं vega, moneyness और expiration के बारे में। vega का behavior theta से एकदम opposite होता है। वेगा लॉन्ग ऑप्शंस के लिए पॉजिटिव होता है और शॉर्ट ऑप्शंस के लिए नेगेटिव। द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल। ऑप्शन बायर्स असाइन हायर प्रीमियम फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट एक्सपायर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ड्यू टू फार्दर एक्सपायरी अनसर्टेनिटी राइजेज एंड देयरफॉर वेगा आल्सो राइजेज। वैसे ही जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी के पास होते हैं, उनका वेगा काफी कम हो जाता है। इसीलिए एक एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वेगा हाईएस्ट रहता है और वही कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी या आउट ऑफ द मनी होने पर उसका वेगा काफी कम हो जाता है। नाउ लेट्स लर्न हाउ वेगा इज यूज्ड। लॉन्ग ऑप्शंस का वेगा पॉजिटिव होता है और इसीलिए एक लॉन्ग ऑप्शन होल्डर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ना एक्सपेक्ट करता है। वोलेटिलिटी से आईवी बढ़ती है और इसके वजह से ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ता है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट शॉर्ट ऑप्शंस का वेगा नेगेटिव होता है और एक शॉर्ट ऑप्शन होल्डर वोलेटिलिटी कम होना एक्सपेक्ट करता है, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है। एक लॉन्ग ऑप्शन होल्डर को अचानक वोलेटिलिटी कूल ऑफ होने के कारण हैवी लॉसेस हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेल अस व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो in the comment section below, and don't forget to hit the like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.